इस सेक्शन में हम सीखेंगे पोलर विथ रेस्पेक्ट टू पोल ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। ये पैराबोला एक्स वाई प्लेन में कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो अगर हम एक पॉइंट ले लें पी एक्स वन कॉमा वाई वन और इस पॉइंट से पास होने वाला जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट्स कहीं ना कहीं पर मीट करेंगी। तो इन दोनों टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका जो लोकस है उसी को हम पोलर बोलते हैं। तो ये लाइन हो गया पोलर विथ रिस्पेक्ट टू पोल पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और इस पोलर का इक्वेशन हम टी इक्वल टू जीरो से निकालते हैं। तो यहाँ पर पी पोल है और ये लाइन पोलर है। तो अगर पी से पास होने वाले कोई भी कॉर्ड लें हम और अगर उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो जाके पोलर में ही मीट करेंगे। इसका मतलब है कि पी पॉइंट से पास होने वाले जितने भी कॉर्ड हैं उनके एंड पॉइंट्स में अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन सारे टेंजेंट्स का उन्हीं का जो लोकस है वो पोलर होता है। तो इस कॉर्ड को हम ए बी मान लेते हैं, इस कॉर्ड को हम सी डी मान लेते हैं। तो ए बी पे जो टेंजेंट है वो भी पोलर पे मीट करेंगे और सी डी पे जो टेंजेंट्स हैं वो भी पोलर पे मीट करेंगे। तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स का जो लोकस है वो पोलर होगा। तो यहाँ पर हम पी से पास होने वाले इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं और अगर उन सारे कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स में हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो सारे ही इस पोलर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। इसीलिए उन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस है वो पोलर होता है। तो यहाँ पर पी पोल है और ये लाइन पोलर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और इस पोलर का जो इक्वेशन है वो हम टी इक्वल टू जीरो से निकालते हैं। तो हमने पैराबोला लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इक्वल टू जीरो। इसको हम एस मान लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इस पी के रिस्पेक्ट में हम टी निकाल सकते हैं। तो टी हो जाएगा वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन डाल दीजिए प्लस जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आप टू से डिवाइड कर दीजिए और एक्स जगह एक्स प्लस एक्स वन कर दीजिए तो हमें टी मिल जाएगा। टी हो जाएगा वाई इंटू वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन। तो अगर हम टी इक्वल टू जीरो कर दें तो हमें पोलर का इक्वेशन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पोल पी एक्स वन कॉमा वाई वन। तो यहाँ पर अगर हम टी को जीरो कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा और यही पोलर का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको कोई पैराबोला दिया हुआ है तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में टी निकाल लीजिए और टी को जीरो कर दीजिए तो आपको पोलर मिल जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए आप, इफ पोल इज फोकस देन द पोलर विल बी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो अगर हम फोकस को पोल लेके पोलर निकालें तो वो पोलर हमें डायरेक्ट्रिक्स ही मिलेगा। इसको चाहें तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर हम फोकस को पोल ले लें तो जो फोकल कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स में जो टेंजेंट्स मिलेंगे उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होगा हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। तो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला का और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस ए पोलर का इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू पोल ए कॉमा जीरो। तो अगर पोल फोकस है तो ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाएगा और फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स में अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर भी होती हैं। ये फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है। तो फोकस से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड हम ले लें और उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट में जो टेंजेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स में ही लाई करेगा। मतलब है कि अगर हम पोल ए कॉमा जीरो को लें तो हमें पोलर का इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स ही मिलेगा। तो इस चीज़ को भी हम प्रूव भी करेंगे। तो हमने अभी टी निकाला था वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन, और अगर हम टी इक्वल टू जीरो कर दें तो हमें पोलर का इक्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्स वन कॉमा वाई वन ए कॉमा जीरो के बराबर है क्योंकि हमने फोकस को ही पोल ले लिया है। तो आप एक्स वन की जगह ए डाल दीजिए और वाई वन की जगह ज़ीरो डाल दीजिए इसमें, तो हमें मिलेगा ज़ीरो माइनस टू ए एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो।
तो यहाँ से हमें x इक्वल टू माइनस ए मिलेगा, और x इक्वल टू माइनस ए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, और यही हमारा पोलर भी है। तो पोलर और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर सेम है अगर हम पोल फोकस ले लें तो। एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द पोलर विथ रिस्पेक्ट टू पोल एट 1.3 ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। तो हमें एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, और हमें पोल दिया हुआ है 1.3। इसी को हम पॉइंट पी मान लेते हैं, इसी को हम x1, y1 मान लेते हैं। तो इस पोल के रिस्पेक्ट में हमें पोलर का इक्वेशन निकालना है। तो अगर P से पास होने वाले कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स में अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो उन टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होता है वही पोलर होता है, और पोलर का इक्वेशन हम t=0 से निकालते हैं। तो इस पैराबोला को लिख सकते हैं y²-10x=0। इसको हम s मान लेते हैं। हमें पॉइंट P दिया हुआ है x1, y1, तो इसके रिस्पेक्ट में हम t निकाल सकते हैं। t हो जाएगा y² y(y1) कर दीजिए, प्लस जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, और x की जगह x+x1 कर दीजिए। तो ये हमें मिल जाएगा y(y1) - 5x+x1। तो ये हमें t मिल गया, और t को अगर 0 कर दें तो हमें पोलर का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर x1, y1 1.3 है, पोलर हमें 1.3 दिया हुआ है। तो आप x1 की जगह 1 डाल दीजिए और y1 की जगह 3 डाल दीजिए यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा y(3-5x+1=0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5x-3y+5=0, और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।